गाइस, दिस इज मी योर होस्ट मावरम अख्तर। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज बात करते हैं मेडिसिन के ऊपर कि मैं पाकिस्तान से कौन कौन सी मेडिसिन अपने साथ लेकर आई हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है फुल टाइम। अब पता नहीं यहाँ पे इतनी सर्दी बर्दाश्त करने के बाद जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर फ़िलहाल अभी समर चल रहा है, लेकिन कुछ ही एक महीने के बाद जो है यहाँ पर सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ की सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर स्नोफॉल होती है। उसमें भी मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाऊंगी और बताऊंगी आपको कि यहाँ की लाइफ इतनी स्नो होने के बावजूद फिर भी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होती है, कैसे साथ साथ सारा काम चलता रहता है। और मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जनाब, कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन अपने साथ लेकर आई हूँ। और वैसे भी अगर ये मेडिसिन आपके पास हो, आपके घर पे बच्चे हैं, तो ये मेडिसिन आपके पास मस्ट होनी चाहिए। मुझे बहुत टाइम लगा है ये मेडिसिन जो है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाकर, डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो कलेक्ट कर करके मैंने ये मेडिसिन जो है इकट्ठी की है। और ये मेरी बेस्ट मेडिसिन है, और जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ये मेडिसिन देती हूँ और वो बच्चे बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं मेरे पास, मेरे स्टॉक में, जो कि मैं लेकर आई हूँ। तो जैसा कि मैंने कुछ मेडिसिन आपको पहले दिखाई हैं और कुछ उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये साशे हैं जो कि हैं जनाब ORS के। ये देख लो गौर से, ORS के साशे हैं। अगर बच्चों को पानी की कमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए हैं या वॉमिटिंग कर रहा है, तो उनको ORS के साशे देना बहुत ज़रूरी है। ये मैं देती हूँ। अच्छा, आपके पास प्लस ये कि ये देखिए मेरे पास इस तरह से राइजिक के साशे पड़े हुए हैं। राइजिक जो है जनाब, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। अगर कभी आपको मतलब एसिडिटी हो गई है और प्रॉब्लम कर रही है बहुत ज़्यादा, तो आप एक राइजिक का साशे लें और लिकिंग करेंगे फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद मैं ये अपने साथ लेकर आई हूँ एनसिड, ठीक है। और इस ये और भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ दो ही रह गई हैं। अगर दांत में कभी भी कितनी भी तकलीफ स्टार्ट हो जाए, एनसिड लो, फौरन आराम पाओ। तो उसके साथ ही साथ पैनाडोल, ये तो हर घर में होती ही है, पैनाडोल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पैनाडोल है जनाब। और इसके अलावा और भी मेडिसन हैं, चले फ्रिज में आपको दिखाती हूँ कि और मैंने कौन कौन सी मेडिसन रखी हुई हैं। चलिए, यहाँ कुछ मेडिसिन मैंने फ्रिज में रखी हुई है, फ्रिज को खोल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब ये देखें, सोडा ग्लिसरीन के ये ड्रॉप्स हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके कानों में वैक्स वगैरह या प्रॉब्लम कर रही है, कान में दर्द हो रहा है, तो इसके 2 से 3 ड्रॉप्स आप डालेंगे, उसके बाद कानों की सफाई वो खुद ब खुद सब कुछ बाहर आ जाएगा और कान बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब मैं आपको एक और चीज़ बड़ी अच्छी बता रही हूँ, ये देखो। हाँ, अगर कभी भी आपकी आँख में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी टाइप का, आँख कितनी की भी गंदी ख़राब हो गई है, तो ये ड्रॉप्स हैं टोब्राडेक्स के, ये आप अपनी आँख में डाल लो 2 से 3 कतरे, उसी वक्त आप परफेक्ट हो जाओगे। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे पास है जनाब ये देखो, इसको इंटेरोजर्मीना की ट्यूब्स हैं ये, और ये लिक्विड में हैं। और अगर बच्चों को पानी की कमी हो जाती है और वो ORS नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप ये एक ट्यूब सुबह एक शाम में पिला दें या फिर पूरे दिन में एक पिला दें, तो बच्चों को पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है। पाकिस्तान से हम लोग कुछ मेडिसिन अपने साथ लेके आए थे जो कि बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें मेरे पास ये है ब्रूफेन सीरप है, स्पास्टलर है पेट दर्द के लिए, विस्मोल है, बच्चों को अक्सर मोशन वगैरह लग जाते हैं डायरिया के लिए, इन चीज़ों के लिए। और फिर साथ ही साथ में है जनाब टर्सी का सिरप जो कि डेंटल पेन के लिए है और वैसे भी पेन किलर है, क्लारासिड है, बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। टर्सी का एक और आ गया मेरे पास, और साथ ही साथ में मेरे पास पास्टलर एक और मौजूद है। साथ में मैं सिरप लेके आई थी, एसिफाइल कफ सिरप है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छा, वैसे मेडिसिन टूटी नहीं है, खैरियत से पहुँच ही गई है। ब्रूफेन सिरप 2-3 हैं और इसी तरह एसिफाइल भी 2-3 सिरप पड़े हुए हैं। तो ये मेडिसिन जो है पाकिस्तान से हम लोग लेकर आए थे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।